बुजुर्ग घरेलू कलह से तंग आकर आत्महत्या करने के लिए झिझक रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचा, जहां वह उतरने के बाद ही फक फक रोने लगा। तो ऑटो चालक ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तभी टेम्पो से उतरते वक्त बुजुर्ग चालक ने कहा, मेरा आखिरी दिन है। तभी ऑटो चालक समरजीत व सुल्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। चालक ने बात को गंभीरता से लेते हुए बुजुर्ग को रेलवे पट्टी की तरफ आत्महत्या करने जा रहे बुजुर्ग को पकड़कर घर वालों को सूचना दी। मामला यूपी के जनपद कानपुर देहात का है, जहां मंगलपुर थाना क्षेत्र के दशहरी गांव निवासी 65 वर्षीय चंद्रपाल उर्फ छुन्नू घरेलू कलह से तंग आकर ट्रेन से आत्महत्या करने के लिए अपने गांव से झिझक पहुंचे, जहां बुजुर्ग ने टेम्पो चालक से कहा, आज मेरा आखिरी दिन है। जिसको ध्यान में रखते हुए चालक सुल्तान व चालक समरजीत यादव ने बुजुर्ग को रेलवे लाइन से पकड़कर परिजनों को जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने टेम्पो चालक की जमकर सराहना की। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए कानपुर देहात से राहुल कुमार की रिपोर्ट। भाई महाराज दार रोलियो बनवा रहे, आज पिक्चर बना। वहीं से तो मिलना है यार, अब आपसे छूटे तो ट्रेन छोड़ो चाचा, तुमको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अपने पास रखेंगे। अब बताओ क्या कर रहे हैं आपके परिवार में आप लोग? आपके हमारे भाई है तीन भाई, ने को लोग नहीं कहते हैं भाई, हमें बता ही नहीं कहा। लड़का है नहीं रहा है, लड़का बाहर गुजरात है, सब तो मैं बता दूंगा। गुजरात है हाँ, लड़का गुजरात है यार। किसने किसने कहा? बीच में ना बोलो। अरे यार शांत रहो यार, वही तो कह रहा है, वो बोल रहा है, इसीलिए रोक रहा है भाई जी। तो और सबर ही लाग भाई, मेरी आग है। अच्छा तो आपके आपके कितने लड़के हैं? दो। तो दोनों लोग बाहर रहते हैं? दोनों बाहर रहते हैं। फिर आपका किससे झगड़ा हुआ? जो झगड़ा औरत से हुआ। आपकी हाँ, फोन किया मैंने, हमें मोटरसाइकिल की चाबी नहीं दी गई, और वो लड़का बोला